हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो मैं अभी आप लोगों को अपना गांव का एक शाही दिखा रही हूँ। तो ये है ब्राह्मण शाही, मतलब यहाँ पे इसी शाही में ब्राह्मण लोग रहते हैं। गांव में हर जात का अलग अलग डिवाइड किया जाता है, सब मिक्स होके नहीं रहते। ब्राह्मण लोग अलग साइड रहते हैं और ओडिया लोग अलग साइड रहते हैं, और जैसे बारबर लोग अलग साइड और धोबी लोग अलग साइड, ऐसे होता है। तो ये है ब्राह्मण शाही। तो ये मैं आपको घुमा के दिखा देती हूँ। तो ये जो बाइक चला रहे हैं, ये मेरे बड़े भाई के बेटे हैं। ये अभी जॉब कर रहे हैं इंजीनियरिंग ख़त्म करके। तो और देखिए, सीधा जो आपको दिख रहा है ना, सीधा आएगा एक बिल्डिंग आएगा, वो है मेरा प्राइमरी स्कूल। तो ये देखिए सामने बोर्ड लगी है, यही ग्रीन बिल्डिंग है। अभी तो ये न्यू बिल्डिंग बन गया है, पहले तो अलग था, वो सीमेंट टीन का घर था। तो वो मेरा प्राइमरी स्कूल है, 1 से 7 तक है वहाँ पे। तो हम अभी आगे बढ़ गए हैं, आप दोनों तरफ हरियाली देख सकते हैं। ये सब खेत है और यहाँ पे धान वगैरह लगाया जाता है, मूंग उड़द ये सब भी होता है। और बस यही है, आप एंजॉय कीजिए। गांव मेरा कैसा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा अपना शाही, जहाँ ओडिया लोग रहते हैं। तो अब हम लोग दीदी जीजा जी हम सब मिलके जा रहे हैं बड़े पापा के घर। यहाँ पे चाचा चाची खड़े हैं, ये उनका घर है, और आगे बड़े पापा का घर है। तो यहाँ खड़े होके हम लोग थोड़ा सा बात कर लिया चाचा चाची से, वो लोग बुला रहे थे घर पर, हम रिटर्न करके उनके घर जाएंगे। अभी जाएंगे बड़े पापा के घर, क्योंकि वो बीमार है तो उनको मिल के आना है। तो हम लोग निकल पड़े हैं। दीदी, ये मेरी बड़ी दीदी है और जीजा जी है, और सामने दो बच्चे हैं, वो दीदी के बेटियों की बच्चे हैं, मतलब नाती पोते हैं। और बस ये मेरा अपना शाही है। तो शाही मतलब आप लोग गली समझते होंगे शायद, आप लोग जिसको गली बोलते हैं हम लोग उसको शाही बोलते हैं। और यहाँ पे बड़ी माँ का घर है, वो लोग भी बुला रहे थे, लेकिन हम रिटर्न आके ही मिलेंगे। अभी सीधा जाएंगे बड़े पापा को मिलने के लिए। और ये जो आपको पत्थर मिट्टी गिरा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे एक प्लॉट है जो पापा का है, वो बनाने के लिए यहाँ पे डाला हुआ है। और ये है मेरा गांव और अपना शाही। बचपन में हम इसे शाही में घूमते थे, साइकिल चलाते थे, मतलब बहुत कुछ एंजॉय किया था। वो सब मैं देख रही थी, मुझे तो बिल्कुल न्यू दिख रहा है। अब कच्चा घर बिल्कुल नहीं है, पहले कच्चा घर थोड़ा बहुत होता था, लेकिन अब बिल्कुल 9 के बराबर है, बिल्कुल ही नहीं है। तो मुझे बहुत नए लग रहा था, और घर इतना सुंदर सुंदर बना रखा है सबने, मैं बस वही देख देख के जा रही थी। और सब लोग बुला रहे थे। ये जो ग्रीन ब्लू कलर का ग्रिल दिख रहा है, ये और एक चाचा के घर है। मेरे पापा का 4 भाई है, तो पापा और उनका कोई बहन नहीं है। और ये जो हम खड़े होके बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक बूढ़ी दादी बैठी हुई है, वो मेरे पापा के चाची है। तो उनसे भी मिल लिया, हालचाल थोड़ा पूछ लिया। अब देखिए गांव का कैसे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, ज़्यादातर बांस के पेड़ होते हैं। और ये जो घर है, इन घर के पीछे बाग है आम का, तो उधर तो गए नहीं है, और साथ में कोई था नहीं। अब आगे बड़े पापा के घर, यहाँ पर तोता है और बच्चे तोते के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पे खाने का ट्राई कर रहा है, खा नहीं पा रहा है, कंफ्यूज है, क्या दे दिया, पकड़ा दिया मुझे। चाची का ट्राई कर रहा है, कुछ
कुछ कुछ कुछ कुछ खा ही नहीं पा रहा वो, क्योंकि दांत नहीं है इसलिए खा नहीं पा रहा। दांत है। अब शाम को अचानक से आंधी तूफान आ गया। अब ये देखिए आसमान में बादल, काला बादल बिल्कुल छा गया है। हवा भी बहुत तेज चल रही है और देखिए कितना अंधेरा हो चुका है। पेड़ तो इतना मतलब हवा कर रहा है कि डर लग रहा है। देखो कितना काला बादल आ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसा नज़ारा कभी। अब होगी बारिश। अरे मम्मी साइड बहुत तेज बारिश हो रही है। हम लोग इसी घर में ही है, उस घर में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ थोड़ा ठंड है। अभी ये जो घर है, पहले यहाँ पे गाय बांधा जाता था। जैसे मम्मी बीमार पड़ गई तो पापा ने गाय सब बेच दिया। अब पापा इस घर को दोबारा अच्छे से बना रहे हैं, रहने लायक बना रहे हैं। अभी यहाँ पे न्यू टॉयलेट वगैरह बना हुआ है और यहाँ पे सीलिंग किया गया है, जिस वजह से ये मतलब ठंडा लग रहा है। तो हम लोग ज़्यादातर यहाँ रहते हैं। देखो कैसे पेड़ का वो नारियल पेड़ का वो गिर गया, डाली गिर गया। और ये देखिए कितना तेज बारिश हो रहा है, कितना तेज। ऐसे ही बारिश होता है गाँव में, शहर में देखने को नहीं मिलता है। तो ये देख लीजिए अब बारिश थम चुका है। मैं दिखाती हूँ आपको कुछ। हाँ। ये देखिए कितना सारा आम गिर गया है। सारे लोग बाहर आ गए देखने के लिए और आम उठाने के लिए। तो ये पापा है मेरे और वो छोटा भाई है। मिल नहीं रहा, एक भी नहीं मिला अब तक। मुझे और क्या मिल रहा है? नहीं बाहर बोली जाइए। हमें मैं और नहीं है। आई नो, उधर देखो, उधर है एक, उधर है। कोई नजर में आए ना तो छोड़ दे रहा, मेरे को ढूंढना है। अब ये नजारा है दूसरे दिन का। फिर दूसरे दिन आंधी तूफान आया। इस दिन हम लोग दिल्ली के लिए निकलने वाले थे और आंधी तूफान आ गई फिर से। मैं सामान पैकिंग कर रही थी तो ये इतना आंधी तूफान आया, मैं डर गई। मैं बोली कैसे जाएं क्या करें, और तुरंत लाइट चली गई। और पहले दिन जब लाइट चली गई थी तो आ गई थी, लेकिन आज फिर से जिस तरह से देख सकते हैं आप किस तरह से आंधी तूफान आ रहा है, बिजली कैसे कड़क रहा है। तो मैंने साउंड बंद कर दिया क्योंकि बहुत तेज आवाज़ आ रही थी, तो मैंने बंद कर दिया। अब ये देखिए काला बादल बिल्कुल छा गया है बिल्कुल। अभी फिर से होगी बहुत तेज बारिश। दो दिन ऐसे माहौल बन गया कि मैं क्या बोलूं इतना। लेकिन गर्मी से राहत मिली, बहुत गर्मी है गांव में लेकिन गर्मी से राहत मिली, ये अच्छा हुआ। आप देख सकते हैं कितनी तेज बारिश हो रही है और पूरा एक एक बूंद दिखाई दे रहा है और बिजली कितना कड़क रहा है। ये मैं घर के अंदर बैठ के आज भी शूट कर रही हूँ और ये देखिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। अब बारिश ख़त्म हो गई, फिर हम आ गए आम के पेड़ के पास। मुझे भी एक आम मिल गया, फट गया। कितना सारा हाँ।
कोई बात नहीं, देखने दो। कोई बात नहीं, देखने दो, हमारी मेहनत ना ले ले। ऐसे ना बोलते। तो ये है मेरा छोटे भाई और छोटी भाभी, और सामने से पापा आ रहे हैं टावल सर पे लगा के, क्योंकि बारिश अभी भी थोड़ा थोड़ा हो रही है, और बारिश का पानी गिरेगा तो मतलब बीमार पड़ जाएंगे पापा। हम तो सर पे कपड़ा लगा के वो भी देखने आ रहे हैं। आज भी आम इतना सारा गिरा हुआ है, और ये देखिए दो बांस भी गिर गया, और लोगों का तो बहुत कुछ नुकसान हुआ है पर हमारा इतना नहीं हुए। और ये न्यू टॉयलेट बनी हुई है, पापा अभी इस घर को रहने लायक बना रहे हैं। पहले यहाँ पे गाय रहते थे, और जो खेत में यूज होने वाला सामान वगैरह रहता था। यहाँ दो घर दिख रहा है ना वहाँ पे। अभी भाभी और मैं यहाँ खड़े हुए हैं, और क्या देखिए ये अभी थोड़ा थोड़ा बारिश और भी हो रहा है। ये बाहर का नज़ारा है, और मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये जो ब्लू कलर के खंभे दिख रहे हैं, ये हमारा अपना घर है। ये घर बहुत बड़ा है, और इस घर में हम बस खाना खाने के लिए जाते हैं और इस घर में वापस आ जाते हैं। वहाँ बहुत गर्मी लगती है। और ये जो मंदिर है, हमारा गाँव का देवी माँ का मंदिर है, और मंदिर का नाम है कनक दुर्गा मंदिर। हाँ, ये दुर्गा जी का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है। तो कैसे लगा आज का ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, बाय।